हेलो, अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। ठीक है, एनिमल टिश्यूज में वो स्टार्टिंग करने के टाइम बता रहे कि एनिमल टिश्यूज को भी काफ़ी सारे पार्टमेंट बढ़ के आता है। एपिथेलियल, मसल्स, कनेक्टिव, नर्वस सिस्टम। नर्वस ना क्या क्या मीनिंग, उसका डिटेल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? ये बहुत थिन होते हैं और ये प्रोटेक्टिव कंटीन्यूस सीट ऑफ सेल्स होती है, यानी कि कहने का कुछ होते हैं। एनिमल्स के ना होते थे, उसको हम क्या नाम देते थे? यहाँ पे हम इनको एपिथेलियल टिश्यूज का नाम देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटेक्टिव नाम देते हैं, एपिथेलियल देते हैं। ठीक है, काम इनका प्रोटेक्ट करने का ही होता है। लोकेशन आपको पता होगा सर, प्रोटेक्ट करे तो सरफेस, यानी कि कहाँ पर होते होंगे? इट कवर्स द सरफेस, बहुत ईजी आपके लिए लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ईजीली आप पता कर सकते हो। इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइंस ऑफ दी वेरियस बॉडी कैविटीज, बॉडी के जिन कैविटीज के लाइंस को कवर करता है। ये इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी कवर करता है। कवर, कवरिंग की बात चल रही थी, कवरिंग की। ठीक है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज में, इनकी कवरिंग को, इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, उनकी कवरिंग को भी हम क्या, उनकी कवरिंग पर भी क्या होता है, होता है। एग्जाम्पल्स, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, हमारे स्किन का आउटर मोस्ट लेयर, एंड लाइनिंग सर्फेस ऑफ द माउथ, हमारे माउथ की जो लाइनिंग सर्फेस है, नोज की जो लाइनिंग है, लंग्स की जो लाइनिंग होगी, स्टोमक की जो लाइनिंग है, उन सभी जगह पर ही होता है स्टोर, हाँ होता है, लोकेटेड होता है। कैसा हो सकता है? किसी भी शरीर में हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है। सर एक चीज समझाओ, पहले मेरे दिमाग में डाउट आया है, मैंने बोला क्या, तो आपने बोला सर ये लाइन लाइन लिखा हुआ है, लाइन कौन सी लाइन की बात कर रहा बेटा? हम कौन सा टिश्यूज के बारे में पढ़े? एनिमल्स, ह्यूमंस के बारे में नहीं। एनिमल्स की बॉडी पर लाइनें होती है, नहीं होती हैं। हाँ तो ये उन लाइनों की बात कर रहे हैं, हमारी लाइनों की बात नहीं कर रहे हम। एनिमल्स, हम इंसानों की लाइनें नहीं होती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात कर रहा है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। इन ऑल केसेस द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फिट टाइटली टुगेदर लिविंग नो स्पेस बिटवीन, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, स्पेस नहीं छोड़ते अपने बीच में। ठीक है, बिल्कुल सही है, नहीं तो अगर स्पेस छोड़ेंगे तो बाहर से जो अन बाहर की जो डेंजरस, जो क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स होंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, तो वो नहीं आने देना चाहते, इसलिए होता है, इसलिए काफ़ी कनेक्ट, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। फंक्शन का काम भी होता है, ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्ट करना हमारी स्किन, स्किन की तरह, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एज ए इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में ऐसा होता है, सेंसरी परसेप्शन, आपको परसीव करने में हेल्प करना, इट्स फोर स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ फूड, वो कह रहा है। अभी एक दो तीन चार आपने काम पढ़े, चारों को ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जो नीचे मेंशन है, स्क्वेमस एपिथेलियल, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो कैसे कैसे नाम है, ऐसे ऐसे नाम है आपको याद भी रखने पड़ेंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम इज कम्पोज ऑफ सेल्स विच आर थिन, कल थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, परमानेंट है, परमानेंट न्यूक्लियर में देखें, परमानेंट न्यूक्लियर में देखें, इनके अंदर न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ा था हमने कहीं पे कि प्लांट्स में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता था, यहाँ पर ज़्यादा होता है, ये भी क्लोजली पैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स, फाउंडर लाइनिंग द माउथ एंड नेस्कल कैविटीज, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, इन जगहों पर पाया जाता है। इस जगह दिखती कैसी है बेटा? देखा, अच्छा एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो गूगल करें ना सारी जगहों को। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, नेस्कल कैविटीज, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स कैसे दिखाई देते हैं, गूगल कर लेना, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर तो आपको देखना समझ में भी नहीं आएगा, और दी भी नहीं है सारी चीज़ें, यहाँ पर बस सेल्स की ऐसी पिक्चर दी है, गूगल कर लेना समझ में आ जाएगा, यूट्यूब भी कर लोगे तो भी समझ आ जाएगा। द स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोटेक्ट्स, सर प्रोटेक्ट ही करती है ना, किसको प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट द अंडरलाइन पार्ट्स, यानी हमारे स्किन तो ऊपर हो गई, तो स्किन के अंडर में जो पार्ट्स है ना बेसिकली, उनको प्रोटेक्ट करती है। कैसे? मैकेनिकल इंजरी से, या फिर जम्स वगैरह से, या फिर हार्मफुल केमिकल वगैरह से, या फिर सूखने से, इन चीज़ों से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट ये चीज़, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूबर्स, यानी ये कहाँ पर मिलता है बेसिकली, किडनी का जो ट्यूबल्स होता है वहाँ पर ही हमें मिलते हैं बेसिकली, एंड इन सम, और उसे कहाँ पर मिलते हैं, इन सम ग्लैंडर ग्लैंडुलर डक्स, सच एज सेलिवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी सेलिवरी ग्लैंड जो होती है और पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, वहाँ पर ही हमें मिलते हैं। कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार यानी कॉलमनार शेप में होंगे, हाँ कंटेंट्स ऑफ वर्टिकल अरेंज, वर्टिकल मतलब कॉलमनर हो गए, वर्टिकल अरेंज सिलेंड्रिकल शेप में ब्रिक लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, दिस सेल्स आर यूज टॉल इन साइज, बहुत लंबे होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम इज जनरली फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ये कहाँ पर मिलते हैं? इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक,
कॉलम पार्ट्स होते हैं, अब पढ़ो जरा इनको जरा, दो पार्ट्स, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एट सम प्लेस इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर ताला है, एट सम प्लेस इन द बॉडी सच एज द लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया द कॉलमनर एपिथेलियम इज सीलिएटेड। तो उस जगह पर जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो सीलिएटेड होता है। द सेल्स ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम हैव अ थर्ड लाइक अ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, यानी कैसे दिखाई देता है प्रोटोप्लाज्म कैसे दिखाई देता है, जैसे लुक लाइक है ना, कॉल्ड सीलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, क्योंकि सीलिया से बना होता है, इसको हम सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। एट देयर फ्री एंड सीलिया कॉन्स्टेंटली कीप प्लेसिंग एंड मूव द मटेरियल विच एंटर दीज रीजंस, ये क्या करें, सीलिया कंटिन्यूसली क्या करती है, लेस करती रहती है और मटेरियल को मूव करती रहती है, जो कि एरिया में पहुँच जाते हैं, किस एरिया में पहुँच जाते हैं, बाइंड पाइप वाले एरिया में पहुँच जाती है, स्लाइडिंग वाले एरिया में पहुँच जाते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉलमनर, ऑल्सो काइंड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम कंटेन सम लार्ज सेल्स विद सीक्रेट सर्टेन केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, इनका काम अलग है, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं कुछ तरह के सब्सटेंस। सब क्या होते हैं, अभी आपके इस पर जरूरी नहीं है, आपके लेवल पर जरूरी नहीं है, क्या कहते हैं, सच सेल्स आर कॉलम वो कॉमन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है, कहाँ पर होते हैं ये, इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। एट सर्टेन प्लेस इन द बॉडी द ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फोल्डेड इनवर्ड टू फॉर्म कॉम्पैक्ट होलो और ट्यूबुलर ग्लैंड्स, कभी कभी कॉम्पैक्ट होलो और ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी बनाते हैं, ट्यूबुलर शेप में, फॉर एग्जाम्पल स्वीट ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स और लीवर ग्लैंड्स, इस तरह के एग्जाम्पल दे दिए, स्वीट ग्लैंड्स जो कॉम्पैक्ट होते हैं, टीयर ग्लैंड्स जो हॉलो होते हैं, लीवर ग्लैंड्स जो कि ऐसे ट्यूबुलर होते हैं। एक लास्ट बहुत ज्यादा एपिथेलियम के टाइप इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम फाउंड इन द स्किन एंड द कॉर्निया, इट इज कंपोज ऑफ एंड इट इज कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, एंड कहाँ गया एंड इट इज कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स, बहुत सारे लेयर से बना होता है, लेयर्स होते हैं स्ट्रेटा, स्ट्रेटा को लेयर्स बोलते हैं, और सेम और डिफरेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड बोला जाता है, बहुत सारे लेयर्स का बना होता है, और लेयर्स को इंग्लिश में वो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में होते हैं स्ट्रेटा, तो स्ट्रेटा से क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दूसरा था कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज बाइंड टिश्यू भी अनदर, बताया था मैंने, ये बीच में कनेक्ट करके रखते हैं, तो कनेक्ट मतलब कह रहे हैं बांध के रखता है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से बांध के रखता है। एंड ऑल्सो कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स, और भी बहुत सारे के ऑर्गन्स होते हैं, इनको कनेक्ट करके रखता है, और कीपिंग देम इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, उनको प्रॉपर प्लेस पर रखता है। कभी आपने नोटिस किया है कि आप रात में सोए आपकी जो नोज है वो ऊपर से पेट की तरफ आ गए, आपके हैंड्स हैं वो कहीं और पहुंच गए, लेग्स कहीं और पहुंच गए, ईयर्स कहीं और पहुंच गए, कभी ऐसा होता है, नहीं, ये उन सबको बाइंड करके रखता है अच्छे से उनको कनेक्ट करके रखता है, वो उनके प्रॉपर प्लेसेस पर, ठीक है, ये कनेक्टेड टिश्यूज के काम होते हैं। इट हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी तीन पहचान होती हैं, तीन क्वालिटीज भी कह सकते हो, अबंडेंस ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, यानी इंटरसेलुलर सब्सटेंस में अबंडेंस क्वालिटी क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, मैट्रिक्स होते हैं, वहाँ पर मैट्रिक्स बन जाती है, मैट्रिक्स मतलब क्या पता है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों को मिक्स करके बोलते हैं मैट्रिक्स, तो हर तरह से मिक्स हो जाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। फ्यूअर सेलुलर एलिमेंट, सेलुलर एलिमेंट्स कम होते हैं, फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो फाइबर्स होंगे तो कनेक्ट करके रखेंगे, बाइंड करके रखेंगे। तो कह रहे हैं कनेक्टेड टिश्यूज को भी हमने तीन तरह से डिफाइन किया है, कनेक्टेड टिश्यू प्रॉपर सपोर्टिव कनेक्टेड टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मतलब ये क्या करता है, ये क्या सब करते हैं, क्या काम करते हैं, फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन, ये पैक करता है ऑर्गन को, बाइंड करके रखता है ऑर्गन को। सपोर्टिव कनेक्टेड टिश्यू क्या करता है, गिव सपोर्ट, किसको सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी के जो कार्टिलेजेस होते हैं ना, बोन्स होते हैं, इनको सपोर्ट देता है। फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू ये क्या करते हैं, ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, एक आपको ब्लड नहीं, आपको लिम्फ पता है, नहीं पता ना, मैं आपको एग्जांपल, कभी आपका हाथ जला है, जब आपको पता हाथ जल जाता है तो एक लेयर सी बन जाती है, और वो लेयर अगर खुल जाए गलती से वो उस पर छेद होल कर दो तो वाटर निकलता है शरीर में से, उस वाटर को बोलते हैं लिम्फ। हमारे शरीर के अंदर दो तरह के लिक्विड होते हैं, ब्लड भी होता है
लिम्फ भी होता है, तो यहाँ पे बात करें ब्लड और लिम्फ के। कब जाएगा ये? ठीक है, तो दो कनेक्टेड टिश्यूज के बारे में आपको बता दें, ब्लड और लिम्फ। यहाँ पर होता है कार्डियज और बोन्स के बारे में, तो यहाँ पर होता है कि पैक करने में ऑर्गन्स को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। और डिटेल में पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, टिश्यू प्रॉपर का मीनिंग क्या है। उनको भी तीन पार्ट में बैठ जाएगा, एरियोलस, एडिपोस। और फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस के अंदर लिगामेंट्स वगैरह आपके आ जाते हैं। एरियोलर टिश्यू बेसिकली पैकिंग का काम करता है। कैसे पैकिंग देखते हैं ना, इट इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड। ओह, यानी पहले से पता चल गया। एंड सब बॉडी के अंदर जितनी भी वाइडली स्प्रेड एरिया होता है वो एरियोलर टिश्यू का होता है। आखिरी बनता है एपिडर्मिस। हमारी एपिडर्मिस ऑफ स्किन जो होती है ना, स्किन के अंदर का, स्किन का एपिडर्मिस वाला पार्ट है, उसके नीचे ही होती है, उसके नीचे होती है बीनीथ दी एपिडर्मिस ऑफ स्किन। इट मेक द स्किन इलास्टिक। ओह, इसकी वजह से हमारी स्किन कैसे तो इलास्टिक होती है। यहाँ पर खींच के आपको दिखाते हैं, तो ये खिंच क्यों रही है, ये खिंच क्यों रही है, ये इस एपिडर्मिस की वजह से, इसकी वजह से। सॉरी दूसरा चार्जर कनेक्ट कर लूँ। तो ये खिंच क्यों रही है, तो ये खिंच इस एलुलर टिश्यू की वजह से रही है। तो ये खिंच क्यों रही है, इस एलुलर टिश्यू की वजह से खिंच रही है ना। एंड हेल्प इज टू ब्रिद स्टैंड पुलिंग टू पुलिंग स्टैंड। एंड इसको खींचे रखने में भी हेल्प करता है, अगर वो खींच दो तो वो रुका भी रहेगा, यानी कि एकदम से वापस आ जाए। नहीं, आप उसको खींच के पकड़े हो तो अभी आप उसको ऐसे रोक सकते हो, रोक के रख सकते हो। एडिपोज टिश्यू, इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल। ओहो, यानी सर ये कुछ स्पेसिफिक काम करता होगा। हाँ, विच स्टोर फैट। ओहो, ये क्या करता है, इस फैट को स्टोर करता है। दिस टिश्यू फॉर्म्स अ पैडिंग अंदर द स्किन। ये स्किन के अंदर पैडिंग बनाता है एंड अराउंड किडनी, किडनी के अराउंड और आईबॉल्स के अराउंड। ठीक है, और ये पता नहीं आपने क्या लिखा हुआ है, पिक्चर कट है, आप पढ़ लेना क्या लाइन है। ठीक है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स रेफर टू फाइबर्स। ये ऐसे लॉन्ग सेल्स से बनाया जाता है जिसको हम फाइबर्स बोलते हैं। और जो फाइबर्स होते हैं आर स्ट्रॉन्ग एंड बंडल टुगेदर बाय एलुलर टिश्यूज। एक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको एक साथ रखा जाता है, उनको बंडल बनाकर रखा जाता है बेसिकली, है ना। और बंडल लाकर कौन रखता है, एलुलर टिश्यू बना देते हैं इनको बंडल में। एंड दे फॉर्म द टेंडन्स व्हिच कनेक्ट मसल्स टू बोन। ये क्या बनाते हैं, फिर ये इनको टुगेदर एक साथ ग्रुप में कर देते हैं, फिर इन्हीं फाइबर्स को क्या बोलता है, टेंडन। और ये क्या करते हैं, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं और लिगामेंट्स को, और मतलब ये दो चीज़ बनाते हैं। जब ये एक साथ, जब ये एक साथ हो जाते हैं तो दो चीज़ बनाते हैं, मतलब टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करता है, कनेक्ट करता है मसल को बोन से, और ये क्या करता है, बोन को बोन से। ठीक है, ध्यान रखना है, मसल टू बोन और बोन टू बोन। एंड होल्ड देम इन पोजीशन, उनको उनकी जगह पर होल्ड करे रखते हैं। सपोर्टिव कनेक्टेड टिश्यू का सपोर्टिव मतलब क्या, बॉडी को किसी ने किसी तरह से सपोर्ट करेंगे, हेल्प देंगे। हमारा बॉडी क्या बेसिकली एक स्ट्रक्चर ही तो, एक ढांचा ही तो है, कभी भी गिर जाएगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए खुद को होना चाहिए ना। तो वो ये है, तो वो ये टिश्यू होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ कहना है कार्टिलेज इज अ नॉन पोरस टिश्यू, यानी इसका कोई होल वगैरह नहीं होता। इट हैज़ अ थिक एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये क्या होता है, एक थिक होता है और इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स और नर्व, यानी इसके पास ना कोई ब्लड वेसल होते हैं ना कोई नर्व होते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, एक तरह का सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक। क्या होता है कार्टिलेज, सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक। कार्टिलेज का ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, इलास्टिक होता है। कार्टिलेजेस आर फाउंड इन द टिप ऑफ द नोज। कहाँ पर मिलता है, टिप ऑफ द नोज, एक्सटर्नल ईयर्स। यहाँ पर कोई बोन्स वगैरह नहीं होती हैं, ध्यान है, हमारे काउंट ईयर्स में ईयर बोन्स वगैरह नहीं होती। तो वहाँ पे क्या होता है, ये कार्टिलेज होती है वहाँ पे, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स बिटवीन वर्टिब्रे एंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, यहाँ जगह पाया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये, तो बहुत जगह पर मिलता है। इस चैप्टर से आपको नहीं पता हो तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, वैसे आपको पता होगा। मेन जो इसमें क्वेश्चन जो आपके बनेंगे ना, वो बनेंगे कौन सा टिश्यू किस जगह पर पाया जाता है। ठीक है, तो वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा टिश्यू, दूसरा चीज़ क्वेश्चन था कि किस टिश्यू का क्या रोल है, किस टिश्यू का क्या काम है। ठीक है, वो मैं समझाता रहूँगा, खुद मार्क करना क्योंकि पूरा मैं नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, बोन सर, बोन इसके ना कि हाँ, बोन सपोर्टिव टिश्यू के अंदर आता है। बोन इज अ हार्ड पोरस टिश्यू, इट हैज अ गुड सप्लाई ब्लड वेसल्स। सर, बोन के अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं। हाँ, इट हैज अ गुड सप्लाई ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स।
इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग सेल्स एंड अ रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सेल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनके लिविंग सेल्स भी होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, और रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, यानी इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, वो भी रिजिड यानी एक हार्ड फॉर्म में। फ्लूइड कनेक्ट क्या हो गया, बहुत डिटेल में तो बहुत शॉर्ट हो गया, कितना रह गया ये तो चैप्टर खत्म कर दिया उन्होंने तो, आपके हम बहुत डिटेल में गए थे, बहुत डिटेल में, सॉरी बहुत शॉर्ट में। फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, फ्लूइड जी क्या करते हैं, टिश्यू जी क्या करते हैं, फ्लूइड को कंट्रोल करने वाले टिश्यू बोलिए। देखो ब्लू ब्लड के बारे में बता रहे थे, ब्लड दो तरह से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट से। तो ये क्या बोलते हैं आप, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स आपको पता ही होगा, सुना होगा जब किसको मलेरिया हो जाता है तो डॉक्टर होते हैं इसकी इतनी प्लेट गिर गई, इसकी उतनी प्लेट गिर गई है, तो अभी ये होता है। और ये प्लेट्स कहाँ पर होती हैं, ब्लड के अंदर होती हैं, यानी ब्लड के अंदर जब कमी आती है ना तो हमें मलेरिया होता है, ब्लड के अंदर जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो मलेरिया होता है ना, तो इन चीज़ों से मिलकर ब्लड बनता है। तो यानी ब्लड के बारे में कुछ उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है, अभी लिम्फ के बारे में बता दें, क्योंकि बहुत बहुत मतलब काट दिया उन्होंने, कोई फंक्शनिंग बताया नहीं है। फिर क्या लिम्फ, लिम्फ इज द फ्लूइड, लिम्फ क्या है कि ऐसा लिक्विड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड है ना, सर फ्लूइड की बोलते हैं लिक्विड को, ये ऐसा लिक्विड जो फ्लो करे, तो लिक्विड प्लस फ्लो दोनों बन के फ्लूइड, फ्लो करें लिक्विड। ये क्या होता है, सराउंडिंग द बॉडी सेल्स से, पूरी बॉडी सेल्स के चारों फैला होता है, इट इज एसेंशियल द ब्लड प्लाज्मा। ये क्या होता है, ये बेसिकली मिलने देखा तो ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है, इट हैज ऊज्ड आउट ऑफ द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल से बाहर आ चुका होता है। इट कंटेन्स डब्ल्यू बी सी, में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और नॉट द रेड ब्लड सेल्स, इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। बोथ ब्लड एंड लिवर मेनली कंसर्न विद ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो विद इम्यूनिटी। वो कह रहे हैं ये दोनों ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए। तो इम्यूनिटी मतलब क्या, एक ऐसी कैपेसिटी जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस। और ये तो मैं बता रहा हूँ फालतू में, तो कोविड के टाइम पर सबों को पता चल गया इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या होता है। मसल टिश्यूज ये लोग ऐसे ख़त्म कर दिया उन्होंने मसल टिश्यूज के बाद, तो चलो हम ख़त्म ही करते हैं, दो मिनट ज़्यादा लगेंगे हमें, ख़त्म ही कर देते हैं इस चैप्टर को। मसल टिश्यूज फॉर्म्स द मसल्स ऑफ द बॉडी, ऑब्वियस बात है, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, है ना, पता है ना हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे रिलैक्स हो सकते हैं, मतलब आपको मतलब ये जैसे हम जैसे तो ब्रीथ कर रहे हैं, तो ब्रीथ कर रहे हैं हमारे चेस्ट होती है थोड़ी, पहले तो रिलैक्स करते हैं एकदम बाहर आ जाती है, फिर ब्रीथ इन करें तो थोड़ी अंदर हो जाती है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पा रहे नहीं, कर पा रही ना हमारी बॉडी हमारे मसल्स से, हाँ तो वो कह रहे हैं दस इसी तरह वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बॉडी को उसके मूवमेंट्स में। अब वो कह रहे हैं ये भी तीन तरह से होती है, ये भी तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, स्टीरिएटेड, इनके नाम याद रखना बेटा, ये एग्जाम बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसको स्केलेटल भी बोलते हैं, स्ट्रैप्ड भी बोलते हैं, वॉलेंट्री भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना क्योंकि इसके ऊपर इनकी डेफिनेशन है। अनस्टीरिएटेड को स्मूथ भी बोलते हैं, अनस्ट्रैप्ड भी बोलते हैं और इनवॉलेंट्री भी बोलते हैं, इसको नाम को याद रखना, मैं इसी नाम से इनकी डेफिनेशन समझाऊंगा। इसको हार्ट या फिर कार्डियक मसल्स ही बोलते हैं, इसमें हार्ट याद रखना, मैं हार्ट के बेस पर आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है। स्टीरिएटेड मसल्स मतलब वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मतलब क्या, वॉलेंट्री मतलब कहता है अपनी इच्छा, स्वेच्छा हिंदी मतलब स्वेच्छा, यानी कोई काम अपनी इच्छा से करना बोलते हैं वॉलेंट्री वर्क, कोई काम अपनी इच्छा से करना, इन वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से मत करना, किसी और की वजह से करना, कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन वॉलेंट्री का मतलब पक्का होता है हम अपनी इच्छा से कर रहे हो। तो हमारी बॉडी के बहुत सारे मूवमेंट्स, हमारी बॉडी के बहुत सारे मूवमेंट्स हम अपनी इच्छा से कर रहे, जैसे हैंड को मूव करना, लेग्स को मूव करना, माउथ से हम बोल रहे हैं तो अपने माउथ को मूव करना, ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, लेकिन हमारी आईज, आईज का ब्लिंक करना तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हम आप बैठे हुए, आप ऑब्जर्व करो, आप बैठे हुए क्या लगता है, क्या आपको लगता है बस आपके ये तो थोड़े बहुत पार्ट्स मूव कर रहे हैं, क्या आपकी बॉडी के अंदर कितने पार्ट्स होंगे तो मूव कर रहे होंगे, है ना, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो तो आपके चेस्ट के जो मूवमेंट मसल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो ब्लड के आसपास जितने मसल्स होंगे वो सारे हिल रहे होंगे, उनमें मूवमेंट हो रहे होंगे, तो नहीं, तो जिन मूवमेंट पर आपका कंट्रोल होता है ना उसको हम बोलते हैं स्टीरिएटेड या फिर वॉलेंट्री मसल्स, और जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता उसको बोलते हैं अनस्टीरिएटेड या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हमारी इच्छा के कंट्रोल में ना हो,
और जो हमारे कंट्रोल में हो उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग फाइबर्स, ये किससे बने होते हैं, लॉन्ग फाइबर से बने होते हैं विच आर न्यूक्लिएटेड और स्ट्रिएटेड, लाइट एंड डार्क बैंड्स रन अक्रॉस द फाइबर्स। क्या कह रहे हैं, ये जो बने होते हैं लंबे लंबे फाइबर से बने होते हैं जो कैसे होते हैं, या तो न्यूक्लिएटेड होंगे और स्ट्रिएटेड होंगे, ठीक है। स्ट्रिएट में ही बता रहे हैं कि लाइट एंड डार्क कलर के बैंड होंगे, ठीक है, जो फैले रहते हैं रन अक्रॉस द फाइबर, फैले रहते हैं पूरे फाइबर पर, ठीक है। जैसे मसल मूव्स ओनली व्हेन यू वांट इट टू, यानी ये मसल तभी मूव करेंगे आप चाहते हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ बॉडी वेट। हाँ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मूवमेंट वाले जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के, बॉडी वेट के कितने परसेंटेज में इनका, मतलब इनका प्रोपोर्शन क्या है, इनका प्रोपोर्शन होता है 50%। दीज मसल्स आर फाउंड इन दी बेसिकली हमारे आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, फेस हो गया, नेक हो गया, ठीक है। अनस्ट्रिएटेड मसल्स मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना होते, आर मेड अप ऑफ स्पिंडल शेप्ड स्लेंडर्स और टैपरिंग सेल्स विच अन न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड नहीं होते, ये अन यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन दी walls of intestine helping in the passage of iris of place in the iris of eye skin lining of blood vessels in the bladder uterus। ek hi diya tha example, maine aapko ek hi diya tha, to unhone bata diya ki in jagahon par bhi to movement ho rahe hain na, hamare iris of eye hai ki aapka is par movement control hai nahi hai, to kya to inko kaise kya muscles kaha jayega, inko involuntary muscles bola jayega। cardiac muscles ko heart muscles bolte hain, yani ye aise muscles hote hain heart ke paas hote hain, isliye unko heart muscles bola jata hai। तो ये इनवॉलेंट्री, एक तो इनवॉलेंट्री होती हैं और इन दी फंक्शंस है ना, और फाउंड ओनली इन दी वॉल्स ऑफ हार्ट, इसलिए को हार्ट मसल्स बोलते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं, केवल हार्ट के वॉल्स के अंदर ही मिलते हैं, वाले मसल्स कहीं नहीं होते। द फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड यूनि न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड, इनकी काफ़ी ब्रांचेस वगैरह होती हैं, दे आर रिलेटिवली शॉर्ट, ये काफ़ी थोड़े शॉर्ट होते हैं ना, हार्ट तक का ही काम करते हैं केवल, है ना। दे कैन कॉन्टैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन एंड डू नॉट गेट एड्स, वो कह रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन, यानी ये कॉन्टैक्ट करेंगे लेकिन आपको बाहर कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा, आपको बाहर की फील नहीं होगा, आपका हार्ट बीट कर रहा है कि आपको फील हो रहा है नहीं, हाँ जब ऑब्जर्व करोगे ध्यान दोगे तब आपको फील होगा, अदरवाइज आपको बाहर स्टिमुलेट नहीं होगा। और डू नॉट गेट टायर्ड सून, यानी कि थक जाए, ये थकना नहीं है, ऐसा नहीं करता हार्ट कि मैं बहुत थक गया अब रुक जाता हूँ, अगर ये रुक गया ना तो इंसान रुक जाएगा हमेशा के लिए, तो ये रुकता नहीं है बेसिकली, ये नेवर गेट टायर्ड है ना, आपने कहा डू नॉट, जल्दी है ना, अरे थकते नहीं है, जिस दिन थकना इसने बंद करे उस दिन बीमारी समझ लो आना स्टार्ट हो गई, और हमेशा के लिए बंद हो गया, हमेशा के लिए रुक गया ये, तो भी इंसान ही रुक जाएगा। फिर आता है नया फोर्थ हमारा टिशू, नर्वस टिशू, या फिर इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल टिशू। टिशू को नर्वस टिशू क्यों, टिशू को नर्वस टिशू क्यों बोलते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम में जितने भी टिशूज होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, वो इस इन नर्वस टिशू से मिलकर बनता है, नर्वस सिस्टम हमारा नर्वस टिशू से मिलकर बनता है। तो लिखा हुआ है नर्वस न्यूरल टिशू कॉन्स्टिट्यूट्स द नर्वस सिस्टम, लिखा ही हुआ है, जो पहले ने लिखा हुआ है, दिस टिशू इज मेड अप ऑफ, दिस टिशू इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड एलोंगेटेड सेल्स, का एक है ना जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। डैश फिगर्स हुज आर टिपिकल न्यूरॉन्स, दे ग्रो अप फिगर्स बोल, दिख गया तो किसको बोलते हैं न्यूरॉन, ये पूरा नर्व सेल है, ये पूरा क्या नर्वस सेल है, इसे पूरे को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। इस न्यूरॉन के अंदर तो सब बहुत सारी चीज़ें, हाँ ये पार्ट्स है न्यूरॉन के, जो हम पढ़ेंगे इसको एक्सॉन वगैरह को पढ़ेंगे भी, चार्ट में दिया है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो टिपिकल न्यूरॉन और नर्व सेल, इट्स ए नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, इनके अंदर एक सेल बॉडी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम या फिर साइटन बोलते हैं, कंटेनिंग द न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक वन बालों की तरह क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रॉन्स, डेंड्रफ नहीं, आप हेयर हेयर से बोलते डेंड्रफ समझो, डेंड्रॉन्स, ठीक है। वन ऑफ दीज द एक्शन, एक दो बहुत बड़ा, इनमें से एक दो बहुत बड़ा होगा उसको एक्शन बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स एज लॉन्ग एज 1 मीटर, कभी कभी 1 मीटर के बराबर होता है, और इवन 3 मीटर इन एन एलिफेंट, और एलिफेंट का तो 3-3 मीटर के होते हैं, और जब इन बड़े बड़ों को मिला दिया जाता है, यानी नेक्सस को मिला दिया जाता है, तो ये बनाते हैं नर्व, तो क्या बनाते हैं, नर्व। द नर्व टिश्यूज कंसर्न विद द परसेप्शन रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स टिश्यूज के बोल रहे हैं, यानी आप जो भी परसीव करते हो
और उसके उसके एक्सचेंज में रिजेक्ट करते हो तो वो किस पे ऐसा होता है, पूरे नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। हमारी बॉडी में जितना भी हम रिजेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो किस वजह से कर पाते हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से कर पाते हैं। इसके विभिन्न चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस विभिन्न चार्ट। एपिथेलियल में दो कितने टाइप्स के होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं। पहले उसको हम क्यूबॉइडल, कोलमनर और स्ट्रेटिफाइड। तो कोलमनर दो टाइप के, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर। कनेक्टिव तीन टाइप के होते हैं, कनेक्टिव, सपोर्टिव, फ्लूइड। तो कनेक्टिव तीन टाइप के होते हैं, एरोलर, एडिपोज, फाइब्रस। फिर ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, कार्टिलेज और बोन्स। बोन्स के दो पार्ट्स होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, फ्लूइड को भी दो, फ्लूइड के भी दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ये तो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर तो याद ही रखना है, या जब ये याद चार्ट याद हो पाएगा ना, तब आप अंदर का कंटेंट याद कर पाओगे और तभी आपको समझ में आ पाएगा। मस्कुलर में कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रिएटेड, इसको वॉलेंट्री बोलते हैं, मैं इसको वॉलेंट्री बोलना चाहूँगा, या फिर इनवॉलेंट्री, या फिर हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स यहाँ पे लिखा नहीं है, अभी मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, इनकी ब्रांचेस फैली होती हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली, एक्सन्स वगैरह होते हैं, फाइबर्स वगैरह होते हैं। ये होता है जैसे एक्सन्स ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्म नर्वस सिस्टम, नर्व फाइबर्स। यानी अगर एक्सन्स जो न्यूरॉन्स हैं, जो एक्सन्स होते हैं, क्या बनाते हैं, नर्व फाइबर बनाते हैं। फिर लिखा हुआ है डिवीजन के लिए, जैसे बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली इसका, ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या है। नेम द काइंड ऑफ एनिमल डिसीजन विच सेल्स आर फैट, क्यूबॉइडल एंड और कॉलमनर। नेम द काइंड ऑफ, यानी ये तो आपको याद करके लिखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, होमवर्क भी आपका ये आपका क्या होमवर्क। लेकिन डोंट ट्राई टू डू इट नाउ, मतलब जब चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाए ना, अच्छे से याद हो जाए, और जब आपको ये टिप्स पर, ये जो चार्ट है ना, दो चार्ट इस चैप्टर के चार्ट, वो टिप्स पर याद हो जाए, तब इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर की वो करना, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज, क्यों, बहुत इजी होगा उस टाइम पे आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ उस चैप्टर को करने का तरीका। एनालॉजीज कैन नेवर बी परफेक्ट कंपेरिंग, हाउ एवर दीज आर ऑफन हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग। कैन यू कंपेयर द फॉलोइंग इन डेप्थ टू हाउ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कह रहे हैं बेसिकली। सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं पूरे सॉल्व नहीं करूँगा, बस डिस्कस करूँगा कहना क्या है। वो कह रहे हैं एनालॉजीज कैन नेवर बी परफेक्ट कंपेरिजन। एनालॉजी मतलब क्या, आप किसी चीज़ को दूसरी से कंपेयर कर रहे हो बेस्ड ऑन उसके नेचर से। यहाँ पे पहला दिया हुआ है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स क्या करता है, अपने अंदर कुछ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को कैरी करके चलता है। ऐसे रिवर भी होती है, रिवर भी अंदर करके, और रिवर क्या करती है, अपने अंदर पानी, ठीक है, और फिश वगैरह कैरी करके चलती है। तो क्योंकि दोनों के बीच में कंपेरिजन है, वो कह रहा है हाँ, कैन नेवर ही परफेक्ट कंपेरिजन, परफेक्ट कंपेरिजन तो फिर भी कर नहीं सकते उनके बीच में। हाउ एवर देर आर ऑफन इन ऑफन हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग, वो कह हाँ, फिर भी आप उसको एक समझाने के लिए किसी एग्जाम्पल दे सकते हो कि हाँ, ब्लड वेसल क्या होता है, रिवर की तरह होता है, रिवर बहुत सारी चीज़ों को कैरी करके चलती है, ऐसे ब्लड वेसल करके चलती है। हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे तो हम इसको यूज में ले सकते हैं, बट वैसे आपको इनके बीच में कंपेरिजन निकालता हूँ, परफेक्ट कंपेरिजन आप इनके बीच में नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, कैन बी कंपेयर द फॉलोइंग, क्या हम इनको फॉलो कर कंपेयर कर सकते हैं, अगर हाँ तो बताओ कैसे, अगर हाँ तो बताओ कैसे। ठीक है, तो ये होमवर्क का पार्ट नहीं, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा अभी, है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर चैप्टर लर्न करने के बाद, अभी लर्न करने के बाद इसको पढ़ना, ठीक है, आप लगे तो कुछ है तो फालतू की चीज़ें हैं, और चैप्टर लर्न कर लो ना, फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको ये सारे होमवर्क के बताऊँ, और चैप्टर लर्न कर लो, लर्न, ठीक है, लर्न की बात करूँगा, टाइम है भी आपके पास, लर्न करने के बाद आप मुझसे ये पूछना होमवर्क, ठीक है। अभी तो आपको ट्राई करना है, फिर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका लर्न होने के बाद।